पापलीगैर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ओड़ लोहार शिमशारी में पानी की परेशानी को दूर किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि हर घर जल हर घर नल योजना के तहत ग्रामीणों को पानी देने की बात की जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों की सहमति के बिना ही मनमानी तरीके से टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये पेयजल और सड़क के दोनों प्रकार के ज्ञापन दिए गए हैं। मांगे हमारी हैं कि जो पेयजल है इसका वितरण सही से सुचारू रूप से हो और जो उसका वितरण है हमारे दोनों ग्राम सभा में ये शिमशारी और सन्ना तो पॉपुलेशन के हिसाब से सही हो। मतलब हम जितने हमारे ज़रूरत है उन्होंने हमें 7,000 लीटर दी है उसको बढ़ाकर हम 12,000 लीटर करना चाहते हैं। पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और हमारी मांग मतलब ज़रूरत भी ज़्यादा ही है, ज़्यादा फंडामेंटल नीड्स ऑफ द वाटर एंड रोड और दी थिंग्स। दूसरी समस्या हमारी सड़क की है, हमारे गाँव में सड़क बहुत दूर है 2 किलोमीटर के आसपास, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो सड़क है हमारी आधी बन चुकी है नीचे के रास्ते और आधी रुकी हुई है। दूसरे गांव के दादा उनका कहना है कि फसल उग रही है और तो इसलिए देना चाहते हैं, तो हमारे उनसे मांग है कि उनसे भी प्रशासन से कि जितने भी जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए, उनको भी सड़क की ज़रूरत है हमें भी है, तो दोनों का समन्वय करा के हमें भी सड़क दी जाए उनको भी दी जाए। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।